एक्स्ट्रा टाइम। एक स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर जो कि आईपीएल में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। बात कर रहे हैं कर्नाटका के ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम की, जो कि इस साल के होने वाले आईपीएल में अपनी छाप छोड़ने के लिए एकदम बेकरार हैं। इकतीस साल के कृष्णप्पा गौतम, इनको राजस्थान रॉयल्स ने ट्रेड किया टू किंग्स इलेवन पंजाब अहेड ऑफ द आईपीएल 2020 ऑक्शंस। अब रॉयल्स ने इनको 6.2 करोड़ में खरीदा था 2018 के ऑक्शन में, लेकिन फिर भी ट्रेड कर दिया। ये रिस्ट्रिक्टिव ऑफ स्पिन बॉल करते हैं और बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी हैं, इसलिए T20 फॉर्मेट में इनका हिट होना पक्का था। कर्नाटका से आए कृष्णप्पा गौतम रास्तों पे क्रिकेट खेला करते थे और फॉर्मर इंडियन ऑफ स्पिनर एर्रापल्ली प्रसन्ना ने उनको स्पॉट किया। प्रसन्ना जी के गाइडेंस में आने के बाद गौतम ने अपने स्किल्स को और बेहतर किया और स्टेट साइड के लिए खेला जूनियर लेवल्स में। 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट 2012 में। उस मैच में इन्होंने 2 विकेट लिए थे बट अपनी जगह टीम में नहीं रख पाए। उसके बाद फॉर्म खराब हो गया और फिर 2017 तक इनको इंतजार करना पड़ा कर्नाटका का लीडिंग स्पिनर बनने के लिए। गौतम हरभजन सिंह को अपना आइडल मानते हैं और उन्हीं के बॉलिंग एक्शन को बहुत हद तक कॉपी भी करते थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपने बॉलिंग एक्शन को थोड़ा चेंज किया और ये उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। 2016-17 के सीजन के लिए उनको कर्नाटका रणजी ट्रॉफी टीम में वापस लिया गया और उसके बाद से वो टीम में पक्के हो गए। कर्नाटका प्रीमियर लीग में भी उन्होंने बेल्लारी टस्कर्स के लिए कमाल की परफॉर्मेंस दी है। एक मैच में अगेंस्ट शिवमोगा लायंस उन्होंने सिर्फ 56 गेंदों में 134 रन बनाए थे और 8 विकेट भी लिए थे अपने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर। जल्द ही उनका चयन इंडिया ए की टीम में हुआ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक टूर गेम के लिए 2017 में। उस मैच में इन्होंने 68 गेंदों में 74 रन बनाए। उसके बाद मुंबई इंडियंस ने 2017 के आईपीएल ऑक्शन में इनको 2 करोड़ के प्राइस पे खरीदा, लेकिन वहां उनको मौका नहीं मिला। उसके बाद वाले सीजन में राजस्थान रॉयल्स ने इनको 6 करोड़ में खरीदा, क्योंकि ये बैट और बॉल दोनों में टीम का योगदान करते हैं, वो भी इतने अच्छे तरीके से, इसलिए प्लेइंग 11 के लिए ऑटोमेटिक चॉइस बने। उस सीजन उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए 133 रन बनाए 196 के स्ट्राइक रेट से और बॉलिंग करते हुए इन्होंने 11 विकेट भी लिए। पर अफसोस 2019 में इनका आईपीएल फॉर्म फिर से खराब हो गया और इसलिए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इनको किंग्स इलेवन पंजाब को ट्रेड कर दिया और वहां से अंकित राजपूत को लिया। अब अपने नए फ्रेंचाइजी में अंडर द गाइडेंस ऑफ अनिल कुंबले कृष्णप्पा गौतम फिर से तैयार हैं अपनी छाप छोड़ने के लिए। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.